हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल, और देखने जा रहे हैं भाई 136 का नेक्स्ट पार्ट। तो देख ले हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में जैसा कि एक शकुनी ने अगला जो नया नए शतरंज वाली चाल है ना, वो उसने चल दिया भाई। तो खैर, अब देखते हैं, एक नई एंट्री हुई है तो उनके पास ही वो जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। सम्राट जरासंध लेनी पड़ी, लेनी पड़ी। यदि कृष्ण को परास्त करना है, अच्छा, और इंद्रप्रस्थ का राज्याभिषेक रोकना चाहते हो, तो ये केवल सम्राट जरासंध ही कर सकता है। और कोई कर सकता? राजनीति भी खत्म होगी, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। काट रहे हैं, अपने लोगों को क्यों मार रहे हैं? जरासंध यादवों को मारेगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा मामा श्री? तीली को यदि तोड़ नहीं सकते तो उसे बीच से चीर सकते हैं, चीर डालो। पांडवों और यादवों को अलग कर दो तो दोनों को तोड़ना सरल हो जाएगा। यही एक व्यक्ति है जिससे सारा आर्यावर्त कांपता है, क्योंकि जरासंध को मारना संभव नहीं। जरासंध को मारना संभव नहीं। मारना संभव नहीं, ये किस प्रकार हो सकता है मामा श्री? सम्राट के पिता महाराज बृहदत्त की दो रानियां थी, किंतु संतान एक भी नहीं। महर्षि चंद कौशिक ने महाराज को एक फल दिया संतान प्राप्ति के लिए। महाराज ने उस फल को आधा आधा दोनों रानियों को खिला दिया। दोनों रानियों ने एक बालक के आधे आधे भाग को जन्म दिया। तब महाराज ने जरा नाम की राक्षसी की आराधना की। जरा राक्षसी ने अपनी माया से दोनों भागों को जोड़ दिया और बालक को जीवित किया। जरा ने सांधा इसलिए सम्राट का नाम पड़ा जरासंध। शकुनी भी अपनी सामने अपने बल का प्रदर्शन करो। आओ, इतनी पावर है उसमें। आप देखो कैसे नजर सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की, सम्राट जरासंध की।
किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। सम्राट जरासंध की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? ये जरा राक्षसी और ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं जानता। आंखें बहुत खतरनाक हैं। सम्राट जरासंध की जय। सम्राट जरासंध की जय। सम्राट जरासंध की जय। दुर्योधन क्रोध कर रहा है अभी से। मेरे बच्चे चलो, ना बनो मेरे बच्चे चलो। दुर्योधन देखो कैसे गुस्सा समझाया भी है, वो मार नहीं सकता। शिव जी ने विष पिया था तब जाके उन्हें चंद्र का मुकुट प्राप्त हुआ। तो अपमान के इस विष को पी जाओ। सम्राट की जय हो। बड़ी बात महाराज जरासंध। सम्राट जरासंध। सम्राट तो तुम हो। वासुदेव कृष्ण की बहन से विवाह करने गए थे। करने गए। युवराज का युवान हृदय है सम्राट। प्रेम हो गया। असत्य गांधार राज। आपकी बहुत कीर्ति सुनी है हमने। क्या कार्य? आप जहां बैठते हो वहां राजनीति होती है, प्रेम नहीं। आपकी राजनीति वहां असफल हुई तो सफलता पाने के लिए आप मगध पधारे हैं, सम्राट जरासंध के पास। सम्राट, जब एक द्वार बंद हो जाता है तो दूसरा द्वार खोलना पड़ता है। जिगुनी मामा। ऐसे तो चूहे किया करते हैं गांधार राज। बिल का एक द्वार बंद हो जाए तो दूसरी ओर बिल खोदना आरंभ कर देते हैं। सिंह की गुफा में तो सिर्फ एक द्वार है और उसे बंद करने का साहस कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। ओए, ओए, ओए। सम्राट, आप अपनी शक्ति को अपनी मर्यादा मत बनाइए। हम तो आपके पास प्रस्ताव लेकर आए। आप राजसूय यज्ञ कीजिए। हस्तिनापुर की भांति यादवों के सारे शत्रु आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आप भला हस्तिनापुर लेकर जाएंगे? देखो आप भी। आप स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कीजिए। अपना युद्ध स्वयं लड़ने की शक्ति ना हो तो युद्ध लड़ना ही मूर्खता है गांधार राज। मूर्खता। आप तो इतने वर्षों से अपना युद्ध स्वयं लड़ते आए हैं सम्राट जरासंध। फिर भी वासुदेव कृष्ण जीवित हैं
और यादव समृद्ध। अब गुस्सा दिला रहा है दुर्योधन। मूर्ख ये क्या किया? सम्राट, जब तक एक भी दीपक जल रहा है तब तक पवन निर्बल कहलाती है, और वासुदेव कृष्ण तो अब दीपक से सूर्य बन गया है। मगध में उस ग्वाले का नाम लेना भी अपराध है, और तुम उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो। तुम तीनों को मृत्यु दंड मिलेगा। सरी को बंदी बना लो तीनों को। और इनके मस्तक काट के कृष्ण को भेज दो। हर काट कर मामा की राजनीति फेल होगी। मेरे बच्चों, बंदी बन जाओ। ये शकुनी की माया है। शीघ्र ही पांडव को द्वा और दीवा दोनों में भेद समझ नहीं आएगा। शीघ्र ही पांडव हमारे जाल फस जाएंगे। मामा शकुनी के है के पता नहीं उसका माइंड किधर किधर घूम रहा होता है। एक बात में से 10 बातें निकाल लेते हैं मामा शकुनी, खतरनाक शकुनी। लेकिन देखा जाए ना, इधर भाई एक नई एंट्री भी हुई है, लेकिन वो है जरासंद, तो एक शत्रु भी है श्री कृष्णा जी का। लेकिन अब शकुनी को कोई और चारा नहीं मिला, एक ना तो राजनीति काम आ रही है ना कुछ और चीज। मतलब सारे अरबे उसने इस्तेमाल किए लेकिन वो फेल ही रहा है। लेकिन जो जरासंद ने उनको उसको बात मारी है ना, वो तो चूहे दीवारें हैं, इधर उधर की कोते एक बंद हो दूसरी कोई उसको कुछ नहीं होता। वो कब से ये चीजें फील कर रहा है। शकुनी के दिन बहुत बुरे आए हुए हैं हर तरफ से ना, एक राजनीति फेल भी हो रही है। लेकिन इधर देखो ना भाई, एक उसकी एक अब बात नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होती, ये एक मतलब ये बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। एक राक्षसी जानती है, उसको पता है कि कैसे इसकी मृत्यु होती है। तो अब वो राक्षसी पता है कौन है, शोर पनखा। अगर अगर इधर युद्ध होता भी है तो ये एक काफी मामला इधर गड़बड़ होगा। हाँ, उसकी शकुनी के साथ शादी करनी चाहिए शोर पनखा की। ओ भाई मेरे, वो तो लीजेंड हनुमान में थी ना आप। वैसे मैं बोल रहा हूँ दोनों की शादी कर दे तो यहाँ पे असल में ना आप इनका थोड़ा सा जिस तरह एक सियासत नहीं होती एक बड़े लेवल के ऊपर, ये अब चल रही है राजनीति चल रही है। क्योंकि वो अपना जो है ना अलहदा एक सिंहासन जो है ना उसको अनाउंस करना चाहते हैं पांडु पुत्र, तो जहरी बात उसके लिए उनको जो है ना वो 100 शहजादे जो है ना साथ राजे होने चाहिए तब जाके वो। तो उसके लिए जो है ना अर्जुन को आपने देखा होगा कि इन्होंने भी मजबूरी के तहत उधर जाके जो है ना वो शादी करने गए दुर्योधन की, लेकिन ये कि बात नहीं बनी, अर्जुन की हो गई, वो साथ मिल गए। उसके अलावा ने अर्जुन ने वो जिस तरह बता रहे थे 2 शादियाँ कर चुके हैं या आगे शायद करनी होंगी अभी हैं, तो वो भी इसी मकसद के लिए ताकि हम जो है ना वो एक मजबूत हो जाए। तो इस हवाले से ना एक एक जंग जो है ना अभी शुरू हो चुकी है राजनीति की। तो अब जहरी बात है शकुनी भी कोशिश कर रहा है फुल तरीके से कर रहा है आगे। अब इन्होंने अपना शत्रु जो है ना वो सबसे ज़्यादा श्री कृष्णा जी को बना लिया है। तो जहरी बात है
अब इनका बनता भी है उनको अब नीचा करने के लिए ये हर हाथ तक जाएंगे, लेकिन अब ये शस्त्र मिला है ना इनको, अभी तो इधर गिरफ्तार हो गए हैं। अब भाई दुर्योधन तो नहीं चाहता था उन्होंने शस्त्र उठाए अपने, लेकिन मामा शकुनी की बात वो जब भी सुनते हैं ना उनको पता है कि इसमें कुछ ना कुछ हमारी बेहतरी होगी, इसलिए भाई वो ठंडे हो चुके हैं। अब उन्होंने गिरफ्तारी मुझे तो लगता है कि उन्होंने उनको कर लेंगे, करना ही पड़ना है क्योंकि इनमें कौन सी इतनी हिम्मत है दुर्योधन में कि वो ऐसा ना कर पाए। खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो करते हैं वीडियो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।